ओके कीप साइलेंस। हमने आप लोगों को कल ये पोएम का सारांश बताया था, द फाउंटेन। फाउंटेन मींस क्या होता है? फव्वारा। फाउंटेन मींस होता है फव्वारा। आप लोगों ने देखा भी होगा, एक्चुअली में नहीं देखा होगा तो वर्चुअली देखा होगा, गाना में, सिनेमा में, मूवीज में, है ना। एंड जहाँ तक मैं आशा करता हूँ मॉडर्न एरा के आप लोग विद्यार्थी हैं तो आप सबने वस्तुतः देखा होगा, भले मैं ना देखा हूँ लेकिन आप लोगों ने जरूर देखा होगा, क्योंकि फव्वारा और बच्चों का कुछ खास रिलेशन होता है। और मैंने कहा था द फाउंटेन विच इज कंपोज बाय जी आर नॉवेल, जेम्स रसेल नॉवेल के द्वारा रची गई है ये कविता। एज फार एज कंसर्न द पोएम द फाउंटेन, इट इज वेरी मोटिवेटिंग पोएम। आफ्टर रीडिंग इट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्ट इन द यूनिवर्स। एवरीथिंग हैज इट्स ओरिजिन एंड एवरीथिंग हैज इट्स पर्पज। व्हाट अबाउट दे आर, जीवन में या इस सृष्टि में जो कुछ भी है उसका होने का एक अस्तित्व है, एक मतलब है, हम इस बात को इनकार नहीं कर सकते हैं इस कविता के पढ़ने के बाद। एंड इट इज सेड, यूजुअली सेड दैट वेयर रीच द पोएट नो वन एबल टू रीच, है ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। एंड दैट्स वाई इट इज इजी टू बी द रीडर एंड अमेन, बट इट इज टू टफ टू बी द पोएट आर फिलोसोफर आर थिंकर। बड़ा मुश्किल होता है पोएट होना, फिलोसोफर होना, थिंकर होना। आप इंसान बन सकते हैं, हर कोई पढ़ता है, सबके पास शब्दों का भंडार है, लेकिन हर कोई कवि नहीं होता या हर कोई उतना दूरदर्शी नहीं होता। हु कैन मेक द इमेजिनेशन ऑफ द फ्यूचर एज इट इज वट दे हैव टू, वो क्या होंगे क्या हो सकते उसके बारे में अंदाजा लगाना सबके बस की बात नहीं। एज यू कैन सी ऑन द ब्लैक बोर्ड स्क्रीन विच इज रिटन इन द चॉक, लिखा गया है जो आप देख रहे होंगे, है ना, तो दिखाई दे रहा होगा। पहला स्टेंजा आपका क्या है, इनटू द सनशाइन, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, ये लाइट है, ठीक है, फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम और टिल लाइट, इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइट व्हेन द विंड्स ब्लो, इनटू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे, इवन इन मोशन ब्लिसम एंड चीयरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड्स नेवर अ वियरी, नेवर अ वियरी। बहुत ही अच्छा मैसेज देता है यहाँ फाउंटेन। पहला स्टेंजा ऐसे कहा गया, इनटू द सनशाइन सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ लाइट या प्रकाश से युक्त होता है। फव्वारा क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में प्रकाश से युक्त होता है। कैसे होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सन की जो किरणें पड़ती हैं फव्वारे के ऊपर पार्टिकल्स, तो इसमें फव्वारा क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है उसका प्रकाश, तो क्या करता है, चमकता है, फुल ऑफ लाइट इसीलिए करें, ठीक। जब सूर्य का प्रकाश पानी में पड़ता है उसमें चमक और बढ़ जाती है, फ्लैश करने लगता है। आपने कभी कभी देखा होगा एक्वेरियम वगैरह देखा है, एक्वेरियम, एक्वेरियम किसे कहते हैं, जिसमें मछली वो क्या, हाँ मछली का पालन गृह बोला जाता है एक्वेरियम। द आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर वेयर वी यूज टू पैक द फिशेस दैट इज कॉल्ड एक्वेरियम, मछलियाँ जहाँ पर होती हैं उसे एक्वेरियम कहते हैं। अब देखेंगे आर्टिफिशियल एक्वेरियम मार्केट में आते हैं, उसमें लाइट्स लाइट जलती हैं, रात को बल्ब जलता है, रंगीन रंगीन प्रकाश जलते हैं, तो ये चमकता है कि नहीं, तो ऐसे ही बता रहे हैं, इनटू द सनशाइन सूर्य के प्रकाश में फुल ऑफ द लाइट प्रकाश से युक्त होता है, चमकता है। प्रकाश से युक्त होना मतलब दैदिप्यमान होना, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पावर, फुल ऑफ स्टेमिना, प्रसन्नता, फुल ऑफ हैप्पीनेस, प्रसन्न रहता है, प्रकाश के युक्त होता है। प्रकाश युक्त होना मतलब एनर्जेटिक होना, पावरफुल होना, ठीक, और खुश होना।
एंड लीपिंग, लीपिंग मतलब क्या होता है, उछलना। फ्लैशिंग मतलब क्या होता है, चमकना या चौंधियाना। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, यह उछलता रहता है और फ्लैशिंग चमकता रहता है। फ्रॉम मॉर्न, मॉर्न का मतलब क्या है यहाँ पर, मॉर्निंग। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर रात। फव्वारा, सूर्य के प्रकाश में सुबह से लेकर रात तक चमकता रहता है, फ्लैश उछलता रहता है, कूदता रहता है। लेकिन सुबह से लेकर रात तक प्रातः काल की जो धूप होती है, इसमें वो सुहानी होती है, अच्छी लगती है, लेकिन दोपहरिया का धूप अच्छा नहीं लगता है। मतलब कंडीशन कैसा भी हो, फव्वारा हर परिस्थिति में क्या रहता है, प्रसन्न रहता है, हैप्पी रहता है, फुल ऑफ एनर्जी रहता है, एनर्जेटिक रहता है, पर्पज युक्त रहता है, एम युक्त रहता है। मतलब उसका उद्देश्य, उसका कर्म, उसका धर्म बदलता नहीं है जीवन के इस विपरीत परिस्थितियों में भी। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है, वी शुड हैव टू बी द मेक आवर लाइफ एज इट इज लाइक द फाउंटेन। हमें भी अपने जीवन को कैसे बनाना चाहिए, फव्वारे की तरह, एनर्जेटिक, प्रकाश से युक्त। जीवन में झंझावात आते हैं, परेशानियां आती हैं, हमें उससे डरना या घबराना नहीं है, ना। आप लोगों ने वीर रस की कविता सुनी, चलंतु वीर सैनिका, धरंतु वीर सैनिका, सगौरवम षडिण्डिमं व्रजन्तु वीर सैनिका, धरातले स्ववीरतां नमन्तु वीर सैनिका, चलंतु वीर सैनिका, धरंतु वीर सैनिका। सैनिकों के लिए जो कहा था वीर रस की कविता है, चलते रहो, परेशानियां आएंगी, दिक्कत आएंगी, समस्या आएंगी, लेकिन तुम्हारा काम क्या है, चलना। जीवन चलने का नाम, गाना भी चलते रहो सुबह शाम, ये चीजें क्या। तो फव्वारा इसी कंसेप्ट को पहले क्या दे रहा है, इसका मतलब सरफेस मीनिंग समझ में आया, शाब्दिक अर्थ, सुबह सूर्य के प्रकाश में फुल ऑफ द लाइट, वह फव्वारा प्रकाश से युक्त होता है। लीपिंग, उछलते हुए, एंड फ्लैशिंग, चमकते हुए, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर रात। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं, इनटू द मून लाइट। फव्वारा वही है, बस अब क्या है, सूर्य के प्रकाश की जगह क्या हो गया यहाँ पर, चांदनी प्रकाश। प्रकाश दोनों में है, लेकिन दोनों प्रकाश का अंतर है। और यहाँ पर आप देखोगे, आपको यहाँ पर राइमिंग वर्ड भी मिलेगा, लाइट और नाइट, राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होता है, तुकांत जिसे बोलते हैं, तुकांत जी, तिक जिसे तक, बक, रक, चक, भक्त, ये क क का क्या है, तुकांत मिल रहा है ना। जी वीरों का कैसा हो बसंत, अभी तो आया था हेमंत, ऐसे त त का क्या हो रहा है, तुक मिल रहा है। ठीक, तो जब वर्ड्स में तो ये अक्सर कर इसके कई पैटर्न होते हैं, या हर लाइन तुकांत होगा, या पहला तीसरा पांचवा ऐसा तुकांत होगा, दूसरा चौथा छठवां ऐसा लाइन बाय लाइन होगा, या कभी कभी विद इन द लाइन होता है, हाफ लाइन में भी और लास्ट लाइन में भी, कभी कभी विद इन द लाइन में, कभी कभी कामा, जैसे आप दोहा छंद चौपाई पढ़ते हो ना, तो उसका पहला पद जो होता है वो फिर तीसरा पद, या पहला दूसरा दोनों पद को कांत मिलेगा। तो अपना पैटर्न होता है, उसका तरीका होता है तुक का। तो आपको यहाँ पर या तो लाइन बाय लाइन मिलेगा, या तो दूसरा चौथा या पहला तीसरा, ऐसे करके यहाँ पर राइमिंग पर लाइट नाइट लाइट लाइट है ना, कुछ उस तरीके से मिलता है, उसी की तरह से। ठीक, क्योंकि हम बोलेंगे क्या, राइमिंग वर्ड्स। तो आपको एक क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द गिवन स्टेंजा, दिए गए स्टेंजा में आप राइमिंग वर्ड्स ढूंढो, तो आप ढूंढ लेंगे। ठीक है, दूसरा, इनटू द मून लाइट, चांदनी प्रकाश, मून लाइट की मात्र मतलब यहाँ पर है पूनम की रात, पूनम की रात मतलब पूर्णमासी कंप्लीट, जब अंजोरिया या प्रकाश एकदम चकाचक रहता है ना, जैसे अभी कल आज भी है करवा चौथ है ना, मतलब आज और कल जैसे भी हो आप लोग चिंता मत कीजिए, है ना। तो यहाँ पर आप अक्सर कर देखोगे इस त्योहार में मीडिया क्या गड़बड़ करती है, या सीरियल या मूवीज क्या गड़बड़ करते हैं, करवा चौथ है जो चतुर्थी को पड़ता है, कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को, कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को पड़ता है, चतुर्दशी में चौदहवीं हो जाए, चतुर्थी को पड़ता है। ठीक, और वो चांद चतुर्थी का चांद पूरा गोल नहीं होता, लेकिन आपके मूवी सीरियल जब भी चांद दिखाएगा पूरा गोल है ना, पूरा मतलब चांद का बदल देता है भूगोल, चांद हो जाता है पूरा गोल,
ये बेवकूफ़ी कहा है, लेकिन हम क्या है, हम फैंटेसाइज आदमी होते हैं, बहुत ज़्यादा कल्पनाशील, तो हमें चांद की गोलाई से थोड़े मतलब, हमारी तो दूसरी मनसा है। और हमने आप लोगों को बताया है करवा चौथ, व्हाट इज द मीनिंग अबाउट करवा, तो अपना वो अलग चीज़ें हैं। अभी हाल ही में मैंने एक कहानी लिखी है, मेरी पहली सरगी करवा चौथ पहली, अभी हम उसको पूरा कंप्लीट आज सोचे करके कंप्लीट उसे पब्लिश कर दें, टाइम नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि ये मून लाइट मतलब पूर्णमासी पूर्णिमा की चांद की बात कर रहे हैं, जहाँ पर प्रकाश चका चौथ रूप में, ठीक, इनटू द मून लाइट चांदनी प्रकाश वाइटर देन स्नो, यही यही जो फव्वारा है क्या है, वाइटर देन कंपेयर कर रहे हैं, बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखता है, और सब बर्फ से ज्यादा सफेद होना भी मतलब क्या है, प्रसन्नता, फुल ऑफ लाइट हैप्पीनेस, बर्फ से ज्यादा सफेद हैप्पीनेस, मतलब ये क्या है, यहाँ भी जब प्रकाश धूप था तो भी प्रसन्न था, चांदनी रात है तो भी प्रसन्न, यहाँ दिन हो चाहे रात, मतलब जीवन में कोई भी परिस्थिति आए इंसान उस परिस्थिति से घबराए न, उससे दो चार हो और जिंदगी जीना छोड़े न, जिंदगी का नाम है क्या, चलते रहना, जिंदगी का नाम है जीते रहना, उसे ये नहीं कि अभी हो गया बैठ के मन मार के बैठे, फॉरगेट इट व्हाट हैड हैपेंड विद यू, भूल जाओ जो तुम्हारे साथ हुआ, अब आगे की जिंदगी की ओर आगे बढ़े। इनटू द मून लाइट चांदनी प्रकाश में वाइटर देन स्नो, या बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखता है, वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग मतलब होता है हिलना, फ्लावर लाइक मतलब फूलों की तरह, मान लो फूलों की एक कतार लगी हवा चले तो ऐसे 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 क्या करता है, बल खाना है ना, बल खाता है, तो वेविंग मतलब क्या, हिलना, वेविंग सो फ्लावर लाइक, और जैसे फव्वारा होगा, फव्वारा होगा जब हवा चलेगी तो देखोगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या करेगा, जैसे जैसे हवा आएगा उस हिसाब से वो हिलेगा, उस हिसाब, अगर हवा ज्यादा तेज है तो वो इधर को ही निकलेगा ऐसे टेढ़ हो, क्यों, वेविंग सो फ्लावर लाइक, तो वो हिलता है, वेविंग सो फ्लावर लाइक, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है, जब हवा बहती है तो फव्वारा फूलों की तरह क्या करता है, बल खाता है, लहराता है, हिलता है, अर्थात नृत्य करता है, नृत्य आदमी कब करता है, मन का मयूर कब नाचता है, जब बहुत खुश होता है, जब इंसान खुश होता है तो कोई नहीं देखता चौराहे पे खड़ा है कि कहाँ खड़ा है ना, शुरू हो जाता है अपने एकाग्र दृष्टि, फिर बाद में अरे कहाँ पर है ना, तो ये प्रसन्नता, तो यहाँ पर क्या है, फव्वारा इतना प्रसन्न है तो जब हवा चलती है तो वो बलखाता है, लहराता है, मानो जैसे प्रसन्नता में झूमता है, नृत्य करता है, ठीक, रात है चांदनी रात है फिर भी वो क्या है, प्रसन्न है। फिर नेक्स्ट जाते हैं इनटू द स्टार लाइट, अब फिर देखो रात, ये सभी परिस्थितियां, ये जो मून लाइट सन लाइट और स्टार लाइट है, ये जीवन का चक्र है, जीवन की स्थिति है, कभी खुशी है कभी गम है कभी तारतम्य है, ऐसा जीवन में रहता है, तो हम हर परिस्थिति में अपने आप को डाइवर्ट करते रहते, दुख में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, तो हमें क्या है, सुख और दुख जीवन का हिस्सा है, तो हमें उन सबको एक तरीके से जीते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहिए, कर्तव्य पथ पर बढ़ना चाहिए। स्टार लाइट कहने का मतलब यहाँ पर है अंधेरिया रात, कृष्ण पक्ष, जब अंधेरिया रात होती है तो तारे अच्छे दिखते हैं, है ना, बड़े अपने लगते हैं, गर्मी की रात में जब कृष्ण पक्ष छते पर सोए रहो और गिरो है ना, तारे, ये ध्रुव तारा है, ये सप्तऋषि तारा मंडल है, ये सब हम करते रहे, तो अंधेरी रात और अंधेरा मतलब कठिनाइयों का अंबार, अंधेरा मतलब जीवन में झंझावात, जीवन में विपरीत परिस्थितियां, ठीक, लेकिन कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तो उस जहां पर कुछ नहीं है उस अंधेरी अंधेरी रात में तारों का भी प्रकाश हमें दिखाई देता है, मतलब उम्मीद का चिराग हमारे अंदर जिंदा रहना, सब कुछ खत्म होने के बाद ये मत मान लो सब खत्म, अब कुछ है या नहीं, जब आपकी चाह जिंदा है तो अस्तित्व भी क्या है, जिंदा रहे, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ चाह है वही राह, वेयर देयर इज टी देयर इज बिस्कुट, जहाँ चाय है वही बिस्किट, मॉडर्निज्म, तो कंसेप्शन, तो यहाँ पर क्या है, इन टू द स्टार लाइट, तारों की प्रकाश में, जब न सूर्य का प्रकाश है न चांदनी प्रकाश, तारों की प्रकाश में, रसिंग इन स्प्रे, रसिंग मतलब होता है दौड़ना चलना, इन स्प्रे, ये दौड़ता है, स्प्रे जैसे फुहार की तरह, अब देखो जब बहुत ज्यादा सूर्य का प्रकाश होगा तो फव्वारा आपको ऐसे ऐसे नहीं दिखेगा, वो आपको पूरा ऐसे दिखेगा, ठीक,
बहुत ज्यादा चांदनी प्रकाश होगा तभी वो आपको ऐसे दिखेगा। हाँ, जब प्रकाश बहुत कम होगा तब उसके पार्टिकल आपको लगेंगे कि फव्वारा ऐसे 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 चल रहा है। जब प्रकाश कम होगा तब, जब प्रकाश कम होगा तो जब उसको रिफ्लेक्ट होगा तो आपको दिखाई देगा। जब ज्यादा प्रकाश होगा तो क्या करेगा, भ्रमित करेगा, सब एक साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। फव्वारा ऐसे नहीं दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा, ऐसे। ठीक, तब देखो तो जीवन के विपरीत परिस्थिति में ही हमें जीवन का अंदाजा लगता है, जीवन के बारे में पता चलता है, एक्चुअल में लाइफ क्या है, अच्छे का बुरे का खुद के बारे में अंदाजा लगता है कि कितनी कठिनाइयों को हम पी सकते हैं, कितनी समस्याओं का सामना हम कर सकते हैं। जब हम खुद उसमें फंसते हैं तब दूसरे को देखकर नहीं समझ में आता है कि नहीं। तो स्टार लाइट रस्टिंग इन स्प्रे वह दौड़ता है बौछार की तरह, मतलब ऐसे तो दूर से फव्वारा दिखेगा, ऐसे आपको फव्वारा के नजदीक जाओगे तब दिखेगा, है ना, फव्वारा है। और जब बौछार क्या ऐसे बोलते हैं ना, कभी स्प्रे ये जो उसने टाइगर मार रहे हैं कि अगर वैसे ही कुछ अच्छी सी चीज़ आपके मुंह पर मारी जाए, है ना, जैसे हम लोग सेविंग वेविंग कराए जाते हैं तो वैसे मारता है लास्ट, बड़ा अच्छा लगता है। तो वो क्या है, वो स्प्रे है। वो क्या है स्प्रे, मतलब बहुत ही पतली धार, बहुत ही हवा की तरह फुहार आने वाली, और वो क्या लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। यही करें इनटू द स्टार लाइट, उस घरेरी अंधेरी रात में भी रसिंग व दौड़ता है एक स्प्रे फुहार की तरह, मतलब अच्छा लगता है, मनभावन लगता है, खुशनुमा लगता है। हैप्पी एट मिडनाइट, अंधेरी रात है, मध्य रात है, फिर भी वो क्या है, खुश प्रसन्न। एंड हैप्पी बाई डे, और दिन प्रतिदिन वो क्या रहता है, खुशी रहता है। सूर्य का प्रकाश हो, चांदनी प्रकाश हो, तारों की प्रकाश हो, हर परिस्थिति में एक चीज क्या देखोगे कॉमन, हैप्पीनेस, ट्राई टू बी प्लेजरेबल है। फव्वारा हमेशा क्या करने की कोशिश कर रहा है, खुश। परिस्थिति कैसी भी हो, सुख हो दुख हो झंझावात हो, लेकिन व्यक्ति को हमेशा जैसी जिस परिस्थिति में हो उसी परिस्थिति का आनंद लेना चाहिए। ना होने की चीज का गम नहीं मनाना चाहिए और बहुत ज्यादा होने का हर्ष नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी चिरस्थायी नहीं है, सब कुछ क्षण भंगुर है। तो जब जो जैसी जिस परिस्थिति में है उसका आनंद ले, पड़ोसी को देखकर डरे न जरे न, हमारे पास ये है, हमारे पास कब होगा, लेकिन आपके पास जो है आप उसका आनंद ले ही नहीं। संतोषम परम सुखम, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन को जिंदा रखिए तब आप प्रसन्न रहेंगे। खुद आप संतोष रखेंगे तो प्रसन्न रहेंगे, ईर्ष्या ज्वेलसी द्वेष ग्लानी रखेंगे तो प्रसन्न नहीं रहेंगे। तो परिस्थिति कैसी भी हो सकती है हमें हमेशा क्या रखना है, प्रसन्न। हैप्पी एट मिडनाइट, मध्य रात में भी वो प्रसन्न रहता है, एंड हैप्पी बाय डे, और दिन के प्रकाश में भी प्रसन्न रहता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट देखो स्टेज है। इवर इन मोशन, हमेशा क्या रहता है, गति में। फव्वारा कभी रुकता नहीं है, फव्वारा ऐसे निकलता है, पानी में गिरता है और फिर गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, ये सिक्वेंस चलता रहता है, ये सिक्वेंस क्या करता रहता है, चलता रहता है हमेशा, और बारा कभी रुकता नहीं है। तो एवर इन मोशन, व्यक्ति को क्या चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए, कभी भी ठहरना नहीं चाहिए। व्यक्ति जब किसी पद पर आगे बढ़ेगा, किसी लक्ष्य पर आगे बढ़ेगा तो गिरेगा, ठेगुनी फूटेगा, हाथ टूटेगा, दांत टूटेगा, सब कुछ हो सकता है। तो इंसान, कुछ लोग क्या होते हैं, परिस्थितियों से डर के रास्ता बता रहे कौन जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप अच्छा 10 में 2 बार फेल हो गए, हटाओ कौन पड़ेगा, है ना, हालती में चलिए। आपकी जिज्ञासा, आपकी आकांक्षा टूट जाती है, आपका मन का जो विश्वास है वो टूट जाता है। लेकिन कहते हैं ना, गिरते हैं सर सवार ही मैदान जंग में, जो लड़ाकू विमान होते, जो लड़ाकू होते हैं, जो योद्धा होते हैं, जो घुड़सवार होते हैं, वही मैदान जंग में गिरते हैं, हर कोई नहीं, और वही फिर घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा एवर इन मोशन, फव्वारा बार बार ऊपर उठता है, नीचे गिरता है, लेकिन गिरने के बाद क्या, फिर ऊपर उठना छोड़ देता है, नहीं, गिरने के बाद एक नया जुनून उसके पास, आई कैन डू इट, हाउ इट इज हैपेंड, कैसे हुआ, मैं इसे जरूर करूंगा, और वो फिर दोबारा एक नई बूंद के साथ, एक नई उत्साह के साथ उठता है। इवर इन मोशन, सदैव गति में रहता है, ब्लिट्सम एंड चीयरिंग, देखो गिर रहा है, मुंह फूट रहा है, पैर टूट रहा है, फिर ब्लिट्सम एंड चीयरिंग, तरुण कोमल और प्रसन्न, फिर भी क्या है, प्रसन्न है। एंड स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, स्टिल
इतना सब कुछ होने के बावजूद बार बार उठता है, बार बार गिरता है, बार बार उठता है, बार बार गिरता है, लेकिन स्टिल फिर भी क्लाइंबिंग वो चढ़ता है, उठता है हेवनवर्ड, आकाश की ओर, स्वर्ग की ओर। क्योंकि आपको पता है कि फव्वारा हमेशा ऊपर की ओर चलता है, ठीक, गिरता है, उठता है, लेकिन वो क्या रुक जाता है? नहीं रुकता। गिरने के बाद ही जैसे एक नया जुनून, नया जोश आता है और फिर ऊपर आगे की ओर बढ़ने के लिए सदैव तत्पर है। मतलब असफलताएं आपको, अगर आपका जुनून, जज्बा, जोश मजबूत है तो एक असफलता आपको रोक नहीं सकती। ये कहा गया ना, फेलियर इज द की टू सक्सेस, असफलता सफलता की पूंजी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सफल होने के लिए पहले असफल हो जाए, है ना, पहले पूंजी ढूंढ ले तब ताला खोले, है ना। कंसेप्ट ऐसे बना लेते हैं कि जब असफलता ही सफलता की पूंजी है तो पहले असफल हो ले, चाबी ढूंढ ले फिर ताला खोलेंगे, है ना। तो ऐसा कंसेप्ट मत बनाइए। असफलता ही असफलता की पूंजी है का मतलब है कि असफलता आपको सिखाती है, आपको बताती है व्हाट काइंड्स ऑफ द मिस्टेक हैव डन बाय यू, कौन सी गलतियां आपके द्वारा की गई है, आप उसे क्या करेंगे, सुधारेंगे तो आप निश्चित ही सफलता को पाएंगे। यहाँ पर इवर इन मोशन, सदैव गति में रहता है, मतलब कभी रुकता नहीं, जिंदगी भी रुकने का नाम नहीं। ब्लिथम, सॉफ्ट, कोमल रहता है, चियरी, प्रसन्न रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग, फिर भी निरंतर गिरता है, उठता है, चढ़ता है, चढ़ने का प्रयास छोड़ता नहीं है। हेवनवर्ड, स्वर्ग की ओर, ऊपर की ओर। गिरने के बाद जैसे पर्वतारोही होता है, माउंटेनियर चढ़ता है, लेकिन जब चढ़ता है तो कभी कभी 50 फीट से सड़क के सीधे 10 फीट पे चला जाता है, क्योंकि एक भी रॉक स्लिप कर गया या कोई बर्फ स्लिप कर गया तो नीचे चला जाएगा, लेकिन इसके बाद वो डरता नहीं है, फिर चढ़ता है, क्योंकि उसने ठाना है। तो ये बार बार बातों में फाउंटेन क्या बता रहा है, इफ यू फेल इन योर लाइफ नेवर फॉरगिव इट, नेवर गेट रीड ऑफ, आप उसे छुटकारा मत पाइए, आप उसे भूलिए मत। बी स्टिल फर्म डिटर्मिनेशन टू कमिट दैट टास्क व्हाट यू हैव टेकन योर लाइफ, खड़े हो, तैयार हो और फिर से उठो, उठो, जागो और सोना छोड़ो, तुम में है वो हुनर की तुम दरिया का रुख मोड़ो, तुम्हारे चारों ओर है वासना का मंजर, बना लो अपने आप को इतना मजबूत और खर कि पी सको तुम जीवन का कोई भी जहर। यूथ के लिए, आज के लिए आप ठान लो, अगर कुछ ठान लिया है तो करना है और कर ले, और जब आपने ठाना है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। ये फाउंटेन हमें बता रहा है, बार बार गिरने के बाद उठने की जो कुछ होता नहीं है। नेवर अबियरी, नेवर अबियरी मतलब कभी थकता नहीं, अबियरी मतलब टायर्ड, ऐसा बार बार करता है लेकिन वो कभी थकता नहीं है, मतलब इतने प्रयासों के बाद वो हमेशा लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। मीन्स इन द गिवन फोर स्टेंजा जेम्स जे आर लॉवेल ट्राइव टू एक्सप्लेन अस फाउंटेन इन द सनलाइट ट्राइव टू बी द फुल ऑफ लाइट एनर्जी इन द मून लाइट ऑल्सो लुकिंग टू बी द वाइटर देन एंड स्नो एंड वेन द विंड्स ब्लो इट्स ब्लेमिंग लाइक द डांसिंग विद द हैप्पीनेस एंड इन द स्टार लाइट वेन द सिचुएशन इज नॉट अकॉर्डिंग टू इट बट इन दैट बैड कंडीशन It tried to be the content or continue its life without making any kinds of the complaint to the society and the people and the oneself. And in the same ever motion, ever changing, it is still for the effort, make the effort to get the success in its life. हमेशा अपने जीवन में प्रयास के लिए तत्पर रहता है। तो ये फव्वारा हमें बहुत कुछ बताता है। जब ये मशीन जैसी चीज कोई चीज बता रहा है तो हम तो सोचते हैं, समझते हैं, बुद्धिजीवी हैं, चीजों को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो why we are not, तो हम क्यों नहीं, अगर हम ठान ले तो हम कुछ भी फान ले, अगर हम बस ठान लें, वेयर देयर इज टी देयर इज बिस्किट, अगर आप चाह गए कि चाय बिस्किट के साथ लेना है तो मम्मी पापा दो रोज के शुगर हो गया है, क्या हो गया, लेकिन आप लपेट जाते हैं, तो ठीक वैसे ही कंडीशन में बिफोर गोइंग टू डू एनीथिंग डिसाइड टू डू व्हाट यू एक्चुअली वांटेड, कुछ भी करने से पहले आप खुद से तय करो कि आप ये कर सकते हो या करना चाहते हो कि नहीं। मन की हारे हार है, समझ में आया, दैट्स ऑल, टुडेज़ प्रोसेस इज ओवर।